जब आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लेते हैं ना कि ये फ्लैट है मुझे इसे खरीदना है, तो यहीं पर आपके डिसीजंस जो हैं खत्म नहीं होते हैं, अभी आपको और डिसीजन लेने हैं। खास तौर पर अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास क्या इतने फंड्स हैं कि आपका एक हिस्सा आप लमसम पेमेंट कर देंगे, फिर जिस हिस्से पर आप लोन लेंगे वो लोन कितना होगा ये डिसाइड होगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, आप क्या एकदम मैक्सिमम लिमिट तक लोन लेना चाहेंगे। और दूसरा अहम सवाल कि फ्लोटिंग रेट पर लोन लें या फिक्स्ड पर। वैसे अब ज़्यादातर बैंक्स जो हैं आपको फ्लोटिंग का ऑप्शन दे रही हैं और एक तीसरा ऑप्शन हाइब्रिड लोन का ऑप्शन दे रही है। तो आज हम इन्हीं सब पर समझने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा, और होम लोन अगर आप लेने की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम लोन आप लेने वाले हैं, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है, कैसे चयन करें सही होम लोन अमाउंट का, कैसे चयन करें कि फ्लोटिंग रेट पर लोन लें या हाइब्रिड वाला लोन प्रेफर करें, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे खास मेहमान SD वशिष्ठ साहब, CEO हैं, फिनेंस कॉर्पोरेट सर्विसेज के एक्स बैंक कर्मी हैं। मिस्टर वशिष्ठ, स्वागत है आपका Money9 पर, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं और अभी लग रहा है कि अभी थोड़े दिन ये बढ़ोतरी कायम भी रहने वाली है, तो ऐसे में कोई जो पहली बार अपना होम लोन लेने के लिए निकलेगा उसको आप क्या सलाह देते हैं, उसे किस तरह का अपना होमवर्क करना चाहिए होम लोन लेने के पहले? धन्यवाद प्रियंका जी, आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसका मैं आपको उत्तर देता हूँ। जो आपने बोला कि जब सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक बड़ा अहम फैसला लेता है, अगर हम एक मीडियम क्लास एक सिटीजन की बात करते हैं जो जब आप घर खरीदता है तो उसमें अपने जीवन का पूरा इन्वेस्टमेंट लगा देता है, तो जब आप लोन का अमाउंट डिसाइड करते हैं तो आप ऐसे डिसाइड करें कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका, वैसे बैंक भी इस पे कैलकुलेशन करते हैं कि 50% से ज़्यादा आपका रिपेमेंट में नहीं जाए, जिससे कि आप अपने जो जीवन याचिका है वो भी सही रूप से चला सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आपका स्पाउस भी आपके वर्किंग है तो उनकी इनकम भी उसमें क्लब की जा सकती है, जिसमें वो आपकी इंस्टॉलमेंट को रिवाइज कैलकुलेशन कर देते हैं और उससे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये तो, और जो सर्टेनली ये मैं ये मान के चलता हूँ कि आज की डेट में जो भी होम लोन लेने के लिए जा रहा है वो सर्टेनली पहले वाली बात नहीं है कि जब हम सोचते थे, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके आज का जो जनरेशन है वो सोचती है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे 2 बेडरूम ही खरीदना है, वो 3 बेडरूम पे जाएंगे, वो कहीं भी जाएंगे, तो दे हैव देयर ओन प्लान्स। तो ऐसे ही वो अपने प्रॉपर्टी के लिए डिसाइड करते हैं, और जब लोन के लिए जाते हैं तो सर्टेनली जो लोन का अमाउंट है उसमें कितना इंस्टॉलमेंट आएगा, कितना वो स्पेयर कर सकते हैं फॉर मंथली रिपेमेंट, इन सब बातों को ध्यान में रख के ही वो डिसाइड करें या करेंगे तो उनके लिए आगे का इजी रहेगा। अपनी पेमेंट कैपेबिलिटी आपको देखनी होगी और इनकम टू लोन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो वशिष्ठ सर ने अभी हमें समझाया कि आपकी इनकम चाहे जो हो, बैंक तो शायद आपको मैक्सिमम उसके 90% तक लोन देने के लिए तैयार हो जाए, पर आपको ये ध्यान रखना है इतना हो कि आप कंफर्टेबली अपने रोजमर्रा के खर्चे कर रहे हो। वशिष्ठ सर, अब अगली बात करते हैं ब्याज का चुनाव कैसे किया जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ब्याज बढ़ रहे हैं, इसमें सभी लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन तलाशते हैं, स्पेशली जो नए होम लोन टेकर्स हैं उनको तो बैंक्स पर भी कम दर पे ब्याज दे रहे हैं, उनको अब ऑप्शन दिया जा रहा है फ्लोटिंग रेट का, हाइब्रिड का, कौन सा विकल्प आपको लगता है अच्छा होगा अगर कोई लोन लेने जाता है? ये हाइब्रिड थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए, या मुझे लग रहा है नया, आप बैंक करें शायद पहले से भी बैंक दे रहे थे क्या? प्रियंका जी, ऐसा है कि अभी इकोनॉमी की ओपनिंग अप हुई है थोड़ी पेंडेमिक के बाद में, तो जो इंटरेस्ट रेट का जो ऊपर जाना वो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड शुरू हुई है क्रेडिट के लिए, इंडस्ट्रीज को भी पैसा चाहिए, सभी को पैसा चाहिए, तो ये ऐसे ही चलेगा। मार्च 2023 के बाद ही जाके सेटल होगा कि हमारे ब्याज दरें किस दिशा में जाएंगे फिर, तो मार्च 2023 तक जब हम देखते हैं इसे ऐसे ही देखेंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही इसका रुख रहेगा ब्याज दरों का। तो अभी की डेट में जो मैं बात करता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर फिक्स रखा जाए सो दैट बाद में जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम फ्लोटिंग रेट पे भी चले जाएं
या फ्लोटिंग, अभी मैं फ्लोटिंग रेट के लिए जब बताऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि बैंक्स के पास में फ्लोटिंग रेट खाली ब्याज को लेके ही नहीं है, वहाँ पे अमाउंट को लेके भी फ्लोटिंग रेट के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपना जो एक अनसर्टेनिटी है रिपेमेंट से रिलेटेड उसे कंट्रोल में रख सकते हैं, उसे अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो एक तो ये तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बोला, मैंने ब्याज दर के ऊपर बोला है अभी आपको। तो आज की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड ही ठीक रहेगा, जब तक ये मार्केट का रुझान थोड़ा ठीक नहीं हो जाता, या हमारी इकोनॉमी एक इस पे आ जाए कि एक स्टेबिलिटी में हम लोग आ जाते हैं फिर से, जहाँ पे तो ये गाइडलाइन जो हमारी फिक्स्ड थोड़ी। रेट होता है, ये पूरे टेन्योर के लिए फिक्स्ड होता है या बीच में ये रिवाइज भी होता रहेगा? और एक और सवाल, आजकल बैंक्स फिक्स्ड लोन लेने के लिए जब कोई जाता है तो उसे मना ही कर देते हैं, कहते हैं आप फ्लोटिंग पर लीजिए या फिर ये हाइब्रिड जो ये नए किस्म का वशिष्ठ है, मैं इस पर भी आपका व्यू चाहूंगी। तो पहला सवाल तो ये कि फिक्स कितने समय तक फिक्स्ड रहेगा, और अगर बैंक मना कर दे कि भाई फिक्स्ड हम नहीं देंगे, आपको फ्लोटिंग पर लेना या हाइब्रिड लेना, तो ये ऑप्शन कैसे रहते हैं? इसमें हाइब्रिड में अभी तीन तरह के ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं जो मार्केट में, डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट एनबीएफसीज जो चल रही हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन तो ये है सिंपल सा कि आपको एक 1 to 3 years में जाके और 1 to 5 years का ऑप्शन वो देते हैं कि आप फिक्स रेट ले लीजिए, उसके बाद में फ्लोटिंग रेट पे आ जाइए। ओके फ्लोटिंग रेट आपका डिसाइड होगा जब आप चाहेंगे। तो दूसरा चीज ये है कि बैंक ने डिसाइड कर दिया कि 1 to 5 years एक आपका फिक्स रेट है, फिर आफ्टर 5 years आपका रिव्यू हो जाएगा, फिर अगेन फॉर नेक्स्ट 5 years यू विल हैव अनदर फिक्स रेट, एंड लाइक वाइज यू 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 कैन हैव योर फिक्स रेट टर्म्स 1, 2, 3 टाइप्स। ओके तीसरा ये है कि ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात किया, तीसरा हाइब्रिड में ऑप्शन ये भी कुछ एनबीएफसी और बैंक्स दे रहे हैं कि आपके लोन का 50% अमाउंट वो फिक्स रेट पे कर देते हैं और 50% अमाउंट आपका फ्लोटिंग रेट पे कर देते हैं, सो दैट आपका एक बैलेंस आउट हो जाता है कि रेट आपका ऊपर जा रहा है या रेट आपका नीचे जा रहा है, बट साथ में आपका एक पोर्शन लोन अमाउंट का वो फिक्स रेट पे भी अवेलेबल है, तो आपका बैलेंस आउट हो जाता है दोनों साइड से। अगर इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है। लेकिन बैंक्स आजकल फिक्स नहीं देते हैं, यानी फिक्स देने से इसलिए मना करते हैं कि ये फिक्स और फ्लोटिंग दोनों का एक मिक्स हाइब्रिड लोन का ऑप्शन है, और ये क्या अच्छा ऑप्शन है आपको लगता है? देखिए, बैंक को भी अपना नंबर एक एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करना होता है नंबर एक, तो उसमें फ्लोटिंग रेट में इट इज इजी फॉर देम टू ट्रैक ऑन डे टू डे बेसिस कि कितना पैसा जा रहा है और कितना आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे आज के आरएम्स हैं, दे वांट ए इजी सेलिंग यू नो द मार्केट, वो उनके पास में जो प्रोडक्ट चल रहा है ना उसे ही चलाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चल रहा है उसे ही चलाना चाहते हैं सबके ऊपर, और इसीलिए फिक्स रेट को वो सोचते हैं कि फिक्स रेट में जाऊंगा तो मुझे वापस फिर से पूरा एक्सरसाइज करना होगा, तो वो एक ही प्रोडक्ट को अपना चलाते रहते हैं। तो ऐसे कोई कहीं भी किसी बैंक से कुछ कंडीशन ऐसी नहीं है कि अगर आप फिक्स नहीं लेना चाहे तो फिक्स नहीं ले सकते हैं और आपको फ्लोटिंग ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई भी कहीं पे बंदिश नहीं है किसी पर बैंक आप से। क्या सजेस्ट करते हैं वशिष्ठ सर, एज एन एक्सपीरियंस्ड बैंकर, ये हाइब्रिड होम लोन का एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो आपको थोड़ी सी सेफ्टी देगा फ्लक्चुएशन से, लेकिन आपका रेट भी रिवाइज होगा? आप इस विकल्प को कैसा मानते हैं? हाइब्रिड लोन सही में एक अच्छा विकल्प है, लेकिन साथ में अगर आपने से सपोज 1 to 3 years वाला एक हाइब्रिड ये लिया कि फिक्स लेना है मुझे, उसके बाद में मैं फ्लोटिंग में जाऊंगा, बैंक से आपने ये ऑप्शन लिया है, तो आपको मार्केट के ऊपर थोड़ा सा ये स्टडी भी करना पड़ेगा, आपको अपडेट भी अपने आप को रखना पड़ेगा कि कब रेट्स ऊपर जा रहे हैं कब रेट्स नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने अगर एक बार ऑप्शन ले लिया तो आपने बैंक के ऊपर छोड़ दिया और बैंक आपके लिए सब कुछ कर देगा, क्योंकि मार्केट अभी इतना मूव कर रही है। अगर मैं बैंक टू बैंक जाने की बात करूं तो शायद डिफरेंट बैंक्स के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आपको मिलेगा, हार्डली 0.25 to 0.50% के बीच में सभी बैंक के रेट्स ऑफर अभी आपको दिखाई देते हैं जनरली। एनबीएफसीज में थोड़ा अलग हो सकता है, एनबीएफसीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उनके टर्म्स ऑफ सैंक्शन थोड़े रिलैक्स होते हैं।
अदरवाइज सभी के ऐसे ही मिलता है, तो आपको मार्केट पे थोड़ा टैब रखना पड़ता है ये कि आपको नेक्स्ट मूवमेंट अपना कब करना है। अगर आपको फ्लोटिंग से फिक्स पे जाना है या फिक्स से फ्लोटिंग पे जाना है तो थोड़ा वहाँ पे आपको अपडेट रखना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि जब कोई नया शख्स लेने जाता है होम लोन, यानी पहली बार लेने जा रहा है, तो उसे तो बैंक्स रेड कार्ड पर ट्रीटमेंट देती हैं, जो पुराने लोन टेकर्स हैं उनके लिए ब्याज बढ़ता जाता है। जैसे ICICI बैंक का एग्जाम्पल लें तो अगर नए होम लोन्स वो दे रहा है 7.10% पर और पुराने ग्राहकों का जो लोन है ऑलमोस्ट जो है वो 9.5-10% के आसपास पहुंच गया, ऐसा क्यों है? ये पुराने ग्राहकों के साथ ये सौतेला ट्रीटमेंट क्यों होता है और नए ग्राहकों के लिए क्यों बैंक जो है वो बाहें खोली रहती हैं? वो आपने एक पुराना कहावत सुना होगा कि अगर बच्चा रोता नहीं तो माँ भी शायद दूध नहीं पिलाती है उसे, तो यही सिचुएशन यहाँ बैंकों के साथ भी है। ये पर्सनल लोन हाउसिंग लोन्स में ही नहीं है, ये हमारे कॉर्पोरेट्स में भी जो बाकी लोन होते हैं इंडस्ट्री वहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब तक कस्टमर खुद आके बैंक को कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि भाई मुझे मेरा पुराना लोन इतना महंगा चल रहा है उस पर आप मुझे ये कंसेशन दें, कुछ रिलैक्सेशन दें क्योंकि नए लोन अभी सस्ते हैं मार्केट में, तब तक बैंक अपने आप ऑटो मोड में कोई ऐसा इनिशिएटिव, कोई स्टेप ऐसा नहीं लेता है। क्योंकि बैंकों को पता है कि जब तक भी मुझे एक क्वार्टर भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है किसी बोरोवर से, तो आई प्रेफर दैट, क्योंकि मुझे तो अपनी बैलेंस शीट के लिए कहीं ना कहीं बॉटम लाइन में ऐड कर रहा है ना वो, तो मैं तो एक एक पैसे को ऐड करना चाहूंगा एज ए बैंकर। अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे जितना भी मिल जाए मैं मैक्सिमम लेना चाहूंगा, बट ऐसा नहीं है कि जब बोरोवर अप्रोच करता है तो उसकी सुनी जाती है, क्योंकि बैंक को पता है फिर कि अगर एक बार बोरोवर ने अप्रोच किया है तो या तो वो दे दे उसे एक रिवाइज रेट पे, नहीं तो बोरोवर के पास में बाकी बैंक के फॉर्म में दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल है मार्केट में जहाँ पे वो अपने लोन को टेक ओवर करा सकता है। राइट, तो वशिष्ठ सर से जो मैंने आज सीखा इस बातचीत में, पहली बात तो आपने बैंक से आप बातचीत कीजिए, समझिए और जो रियल रेट आपके आसपास जो चल रहा है ना उसको भी इवैल्यूएट करते रहिए। एक बार लोन लेकर के भूल नहीं जाइए, आप बैंक के पास जाकर के उनसे बार्गेन कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट रेट को लेकर, नहीं तो आप दूसरे बैंक में शिफ्ट करने का ऑप्शन भी अपना सकते हैं। आप कुछ सवाल लेकर आते हैं हमारे दर्शकों के अब आपके सामने सर। शोभित वर्मा जी का सवाल मैं लेती हूँ। सबसे पहले शोभित पूछ रहे हैं कि मैंने HDFC लिमिटेड से 2 साल पहले 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है, इस पर ब्याज दर जो है वो 2% तक बढ़ गया है, मेरा कैश फ्लो भी बढ़ गया है, इस लोन का समय से पहले मैं भुगतान करने की सोच रहा हूँ, क्या प्रक्रिया अपनानी होगी मुझे? तो प्री पेमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है शोभित, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप, करना चाहिए आपको। सर ये कितना आसान या मुश्किल रहता है अगर कोई प्री पेमेंट करना चाहता है या पार्ट प्री पेमेंट करना चाहता है? तो मैं शोभित को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पहले कि उन्होंने कैश उनकी पोजीशन इंप्रूव हुई है, तो उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि लोन लायबिलिटी अपनी कम कर दें, क्योंकि आज की जैसी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन चल रही है इसमें ये एक बहुत ही सूझबूझ वाला स्टेप है उनकी तरफ से। दूसरे जो ये प्रोसेस आपने पूछा कि प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस कोई बहुत कम्बरसम प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना है और प्रीपेमेंट करना है जितना भी आप अमाउंट डिसाइड करते हैं। इसमें केवल एक यही आपको सूझबूझ रखनी है कि जब आपका लोन सैंक्शन हो रहा है तब आपको सैंक्शन लेटर में ये देखना है कि प्रीपेमेंट रिलेटेड क्या कंडीशन बैंक ने डाली है। ओके, जनरली बैंक ये कंडीशन डालते हैं कि अगर आप दूसरे बैंक से टेक ओवर कराते हैं तो प्रीपेमेंट लगेगा, और अगर आप अपने सोर्सेज से प्रीपे करते हैं तो प्रीपेमेंट नहीं लगेगा। एक तो ये कंडीशन होती है। मुझे नहीं पता कि शोभित के सैंक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो शोभित प्रीपे करने से पहले एक बार सैंक्शन लेटर अपना देख ले, ऐसा नहीं हो कि आप प्रीपे कर दें बैंक पेनल्टी भी लगा दे उस पे, तो जो आप उस पे बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो बेनिफिट आपको प्रॉपर नहीं मिले। वशिष्ठ सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे जहाँ तक पता है कि अगर फिक्स्ड रेट पर आपका लोन है तो उस पर बैंक्स आपके प्रीपेमेंट पर पेनल्टी नहीं ले सकते हैं, अगर आप फ्लोटिंग रेट पर आपका लोन चल रहा है तो। हाँ, ये ही मैं आपको बोल रहा था कि ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी, जो RBI का मानना है, RBI कहता है कि फ्लोटिंग पे और फिक्स पे तो कहाँ पे होना है कहाँ पे नहीं होना है, बट इट इज
ऑल अबाउट मार्केट प्रैक्टिस नाउ। डिफरेंट बैंक डिफरेंट तरह से इसे प्रेजेंट करते हैं, तो मेरा सुझाव सब अपने दर्शकों को अपने शोभित के लिए यही रहेगा कि आप अपने सैंक्शन लेटर को ध्यान से पढ़िए जब आपका बैंक आपको दे रहा है। ऐसा नहीं है कि फिक्स पे बैंक आरबीआई ने बोला था फिक्स पे ही होगा या फ्लोटिंग पे बोला था। अगर आप अपने बैंक से निगोशिएट करते हैं तो किसी भी केस में वो प्रीपेमेंट हटा भी सकते हैं, कुछ ऐसी इस पे बाइंडिंग्स नहीं। यानी कि जब आप लोन भी ले रहे हैं ना, तो वो जो लेटर बनता है अग्रीमेंट लेटर आप बैंक से बनाते हैं, उसमें सैंक्शन लेटर जो आपका था उसमें आप ज़रूर चेक करें, और उसी समय आप बैंक से बोल सकते हैं कि आप क्यों ले रहे हैं मुझसे इस तरह की पेनल्टी, आपको नहीं लेना चाहिए। आप आरबीआई का हवाला भी दे सकते हैं, तो इसलिए वो लेटर जो है सैंक्शन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र पुरोहित का सवाल लेकर आते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट में फ्लैट की डील पक्की कर चुका हूं, बिल्डर मुझे निजी एक हाउसिंग फिनेंस कंपनी से लोन दिलाने की बात कह रहा है। बिल्डर ने उन्हें कहा है कि इस कंपनी से लोन उन्हें जो है वो प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा, और लेकिन इसका ब्याज जो है वो महंगा है, बाजार में मौजूदा जो ब्याज चल रहा है 2% ज़्यादा महंगा है। क्या करना चाहिए नरेंद्र जी को, क्या बिल्डर के कहने पर उस फिनेंस कंपनी से लेना चाहिए, नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी से जहां उनको लोन लेने के लिए कह रहे हैं, जहां थोड़ा सा महंगा लोन भी है। वशिष्ठ सर, क्या सलाह देंगे आप नरेंद्र को? इसमें मैं पहले तो आपको कारण बता दूं कि बिल्डर ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपना प्रोजेक्ट भी किसी ना किसी फाइनेंस कंपनी से किसी बैंक से अप्रूव कराते हैं, तो उनका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहीं से हुआ होता है, तो पूरा प्रोजेक्ट की जो लैंड है उनकी वो वहाँ पे मॉर्गेज रहती है। तो इसीलिए जनरली वो क्या करते हैं कि जब उनका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, उसने उसे प्रोजेक्ट लोन भी दिया है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, चाहे वो PSU बैंक है या कोई और निजी ये फाइनेंसर है ऐसा, कि जिसने उससे उसका प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, तो उसके लिए ईजी हो जाता है कि जब वहाँ पे इंडिविजुअल कोई हाउसिंग लोन लेने भी जाएगा तो उसका उसे हाउसिंग लोन वो आसानी से सैंक्शन कर देंगे उसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल में। इसमें इस चीज की संभावना है कि अगर वो किसी दूसरे बैंक के पास में जाते हैं तो वो उसकी ड्यू डिलीजेंस फिर से करेगा और वो प्रोजेक्ट को अप्रूव ना करे, वो हाउसिंग लोन को अप्रूव ना करे। तो एक तो ये सुविधा की बात हो गई जो वो बता रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी पड़ रहा है लेकिन सुविधा यहाँ पे होगी। लेकिन इसमें मुझे नहीं पता कि जो उन्होंने अप्रूव कराया है वो सब लीगलिटीज हैं, उसमें यहाँ पे हमारा जाने का स्कोप नहीं होता है इस डिस्कशन में। वो इन्हें अपने आप ही चेक करना होगा कि उनका प्रोजेक्ट के क्या अप्रूवल्स हैं क्या नहीं है, वो ध्यान से देख लें। लेकिन इसका रीज़न ये होता है, जो कारण है इसका मेन वो यही है जो मैंने बताया, क्योंकि बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट वहाँ से अप्रूव कराया तो वो हाउसिंग लोन वहीं से अप्रूव होते रहते हैं सब उनके बायर्स के, और उसी से प्रोजेक्ट लोन उनका स्क्वायर ऑफ होता रहता है, जितनी रिपेमेंट होती है सब वहीं पे। तो यहाँ से उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर उनको क्रेडेंशियल चेक करने चाहिए, अपना ड्यू डिलिजेंस करना होगा उन्हें यहाँ पर? डिलिजेंस तो इन एनी केस करना ही चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि वहां से लेंगे तो इजी हो जाएगा उनके लिए, उनके हैसल सब बच जाएंगे, उन्हें फिर से ड्यू डिलिजेंस नहीं करना पड़ेगा, उन्हें लीगल सर्च रिपोर्ट उसका नहीं निकल आना होगा, क्योंकि उन निजी जो भी फाइनेंसर है उनके पास में ऑलरेडी दिया हुआ है सब निकलवा के। अगर वो अपना लेना चाहते हैं किसी दूसरे बैंक से, तो वहां पे उन्हें सबसे पहले बिल्डर से पूरे के पूरे पेपर्स चाहिए जो भी वो बैंक मांगेगा, उस पे फिर से टेक्निकल सर्च रिपोर्ट आएगी। उस टेक्निकल सर्च रिपोर्ट में हो सकता है कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाए कि जिसपे वो लोन उनका मना हो जाता है उस बैंक से, तो वापस क्योंकि ये NBFC के साथ शायद उस बिल्डर का टाई अप होगा, इसलिए वो कह रहे हैं। तो और फिर पूरा पेपर वर्क आपको करना होगा, लेकिन इस वजह से कि सहूलियत है सिर्फ नरेंद्र जी ये फैसला नहीं कीजिएगा, आपको अपने लेवल पर भी एक ड्यू डिलिजेंस करना होगा कि बिल्डर कैसा है, वो NBFC की जो टाइप की बात कर रहा है वो कैसी है, तभी इसे फाइनल कीजिएगा। थैंक यू सो मच वशिष्ठ सर, आज आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और होम लोन के इतने सारे पॉइंट्स हमें समझाने के लिए, जिसके बारे में शायद हमें पता था लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं थी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।